अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी, मेरी तो कोशिश रहती है कि जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साथियों, आजादी के बाद जो सरकारें रही उनमें देश की ऐसी विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक तो विदेशी दृष्टि से भारत को देखने की आदत थी और दूसरी तुष्टीकरण की मजबूरी थी, जिसकी वजह से भारत की विरासत, हमारी महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती गई। अतिक्रमण, अस्वच्छता, अव्यवस्था, इन सभी ने हमारी विरासतों को घेर लिया था। मैं काशी का सांसद हूं, मैं काशी का आपको उदाहरण देता हूं। वहां 10 साल पहले क्या स्थिति थी पूरा देश जानता है, लेकिन जब सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो लोगों ने भी सहयोग किया और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए 12 एकड़ जमीन निकल गई। आज उसी जमीन पर म्यूजियम, फूड कोर्ट, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, एम्पोरियम, यात्री सुविधा केंद्र, अनेक प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई है इस पुनर्निर्माण के बाद। और आप देखिए, 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। इसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के लिए हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन पर भी पहले बहुत सघन कंस्ट्रक्शन था, आज वहां राम पद, भक्ति पद, जन्मभूमि पद और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या में भी पिछले 50 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने द्वारिका जी में भी विकास के अनेक कार्यों का लोकार्पण किया। वैसे साथियों, देश को अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग एक तरह से यहां गुजरात की धरती ने दिखाया था। याद कीजिए, सरदार साहब के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है।
ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चापानेर और धोलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था। हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंचतीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है, हजारों लोग दांडी जाते हैं आज। अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। एक और बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेजेपी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के पास हरियाणा में 10 एमएलएज हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन है बीजेपी का। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और अब जो खबर है कि कई जो विधायक हैं जेजेपी के वो टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यतेंद्र हमारे साथ। यतेंद्र, इस खबर के बारे में क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल, कल दुष्यंत चौटाला की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब पौने घंटे की बातचीत हुई थी और उसमें दुष्यंत चौटाला ने दो सीटों पर दावा किया कि उनका सहयोगी दल होने के नाते दो लोकसभा सीटों पर जेजेपी लड़ना चाहती है, लेकिन जो सूत्रों का दावा है उन सीटों पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जिस तरह का फीडबैक है और पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो हर सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और चाहे सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि इससे जेजेपी खुश नहीं है और हो सकता है कि गठबंधन तोड़ने का ऐलान जेजेपी के द्वारा कर दे। इसको, इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कई बीजेपी के संपर्क में कई जेजेपी के विधायक है, जिससे बीजेपी में हरियाणा सरकार को कोई घटना हो तो माना ये जा रहा है कि जेजेपी के जो विधायक है वो जरूरत पड़ने पर जेजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ आ सकते हैं, जिससे सरकार बनी रहेगी और उससे पहले की कवायद है कि हरियाणा सरकार में बड़ा फेरबदल बीजेपी करना चाहती है और उसके बाद अगर गठबंधन टूटता है और जेजेपी के विधायक संपर्क में वो खुलकर बीजेपी के साथ देंगे तो ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। यतिन, जरा ये बताएं कि ये सब कुछ अचानक तो हुआ नहीं है, इसके लिए बाकायदा होमवर्क किया होगा बीजेपी ने और ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की हमेशा रही है, चुनावों से पहले चेहरे बदले जाते हैं। और यहां अब खबर यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल से एमपी का जो है वो चुनाव लड़ाया जा सकता है।